Thank you, sir. Yes, welcome. First of all, welcome everybody. सर ने तो मेरा इंट्रोडक्शन कर ही दिया है. शॉर्टली बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर मंदार गोखले है. रेडियोलॉजी में एमडी कंप्लीट किया है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट पीडियाट्रिक मेडिकल यूनिवर्सिटी से. करंटली जैसे सर ने कहा था कि श्रीमा एजुकेशन कंसल्टेंसी का डायरेक्टर हूँ, को फाउंडर हूँ, और रशिया के एडमिशंस के रिलेटेड जो भी काउंसलिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होते हैं, उनका हेड कंसल्टेंट हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द मेंबर्स एंड प्रोफेसर्स ऑफ आइडियल इंस्टीट्यूट जिन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए दिया. थैंक यू एवरीबडी जो आज यहाँ पे प्रेजेंट भी है और जो ये सारा प्रेजेंटेशन होने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. सो आई होप सब लोग काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल हो चुके हैं अभी, तो हम लोग अपना प्रेजेंटेशन चालू कर देते हैं. तो बेसिकली रशिया क्या है? एक दुनिया का सबसे बड़ा देश है. अगर आप सबसे लास्ट पॉइंट इसके अंदर नोटिस कर रहे हैं तो इसके नेबरिंग कंट्रीज ही इतने सारे हैं. बेलारूस, लाटविया, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेसिकली ये पुराने सीआईएस कंट्रीज हैं जो रशिया का पार्ट हुआ करते थे, बट नाउडेज दे आर डिफरेंट कंट्रीज. मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, नॉर्वे और इस्टोनिया जैसी कंट्रीज भी इसके नेबरिंग कंट्रीज है. सबसे बड़ा कंट्री होने के बावजूद अलावा भी मॉस्को इसकी सबसे बड़ी सिटी है और ये इसकी कैपिटल सिटी भी है. मोस्टली रशिया में आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एरा बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रशिया को प्रेफर करते थे. उसके कई सारे रीजंस है, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप्स, इंक्लूडिंग गुड अपॉर्चुनिटीज. वापस आने के बाद भी आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते थे. इसमें इकोनॉमिक्स था, ह्यूमन साइंसेस, इंजीनियरिंग इंक्लूडिंग माइनिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग, उसके बाद ऑब्वियसली मेडिकल फील्ड तो था ही, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ऐसे कोर्सेज भी आज भी स्टूडेंट्स वहाँ अप्रोच करते हैं. वेटरनरी के लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, पर बेसिकली जो स्टूडेंट्स ज़्यादा फैकल्टी के लिए गए हैं वो एमबीबीएस के लिए गए हैं उस टाइम से लेके आज तक. इसके काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में आते हैं. उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं उसके ऊपर आप उनके वर्ल्ड रैंकिंग्स चेक कर सकते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर WHO रिकॉग्नाइज्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, ध्यान में रखनी है, आपको कभी भी अगर अब्रॉड एजुकेशन के लिए मेडिकल फील्ड के लिए जाना है, यू हैव टू चेक कि उनको WHO रिकॉग्निशन है. इफ दे हैव WHO रिकॉग्निशन, दैट मींस द डिग्री इज बाय डिफॉल्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. रशिया से जो लोग पास आउट हुए हैं वो दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडियंस, यूरोपियन कंट्रीज में हैं, अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं. रशिया में काफ़ी सारे इंडियन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं आज की डेट में. अभी रशिया में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ये तो सबने पढ़ा होगा, पर इसके आपको बेनिफिट्स क्या है एज अ स्टूडेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इसकी फीस काफ़ी कम होती है. उसका एक ही रीज़न है, बेसिकली रशिया में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वी आर नॉट रशियंस, उसकी वजह से हम फॉरेनर्स हैं, इसलिए हमें अलग से एक फीस कोट की जाती है. बट बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए उसको सब्सिडाइज किया जाता है. दैट मीन्स मिनिस्ट्री जो है वो आपकी फीस पे आपको ऑलरेडी एक डिस्काउंट देती है, ऐसा हम लोग लेमन टर्म्स में कह सकते हैं. सो दिस इज द मोस्ट रीजन कि उनके फीस कम क्यों होते हैं, विच इज इकोनॉमिकल कैटेगरी भी कहा जाता है उसे. अगेन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ डोनेशन. रशिया के कोई भी यूनिवर्सिटीज में आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी है. सो बेसिकली यू हैव टू क्लियर द नीट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द रशियन एनी ऑफ द रशियन यूनिवर्सिटीज. एक्चुअली देर आर मोर देन 70 universities, but more than 55 universities provide this course in English medium. So, आप English medium के लिए अगर apply करते हैं तो ये 6 साल का course है. अगर
कोई स्टूडेंट किसी रीजन से रशियन मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहता है विच विल बी डिस्कस्ड इन पर्सनल काउंसलिंग, बिकॉज नहीं तो वो सारे टॉपिक्स काफी बढ़ते जाएंगे. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको अभी अवेलेबल करके दे रहा हूँ. इसके और जो डिटेल्स डिस्कस करने होंगे हम आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करेंगे. आप हमारे साथ पर्सनल काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं और उसमें आपको ये सारे डिटेल्स और इन डेप्थ समझा दिए जाएंगे. सो जो लोग रशियन मीडियम चूज करना चाहते हैं उनको 7 से 8 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड लग सकता है. इसका रीजन ये है क्योंकि आपका रशियन लैंग्वेज का जो बेसिक कोर्स है वो उस महीने में कंप्लीट होता है. ये कोर्स बेसिकली आपके जो फ्यूचर कोर्स है, मेडिकल कोर्स है, उसको टारगेट करके आपको जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आपको रशियन में केस हिस्ट्री कैसे लिखनी है, आपको पेशेंट के साथ कैसे बातें करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली उसमें सिखाई जाती है. अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट इज टू टीचर रेशो इज 10:1, मतलब हर 10 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर होता है. सो बेसिकली यू कैन इमेजिन आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो बट आप एक प्राइवेट ट्यूशन में जा रहे हो. आपके स्टूडेंट के ऊपर आपकी जो टीचर है उसका पर्सनल फोकस है. आप कोई भी डिफिकल्टीज उनको फ्रीली पूछ सकते हो. इसका आपको एडवांटेज होता है प्रैक्टिकल टर्म्स में. जब आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में जाना है, आपको जैसा आपने काफ़ी बार सुना होगा कि फर्स्ट ईयर को आपको स्पेसिमेन कम मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, फर्स्ट सेकेंड टू थर्ड ईयर, ये 3 साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल बेसिक्स को मजबूत करने के लिए. ये 3 सालों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल मिलना इम्पॉर्टेंट होता है जो यहाँ पे आपको मिल सकता है. अगेन यहाँ 10:1 रेशो, कभी कभी ये चेंज हो सकता है, 13:1 रेशो भी हो सकता है, बट नॉट मोर देन 15. कभी कभी स्टूडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं तो उसकी वजह से 15 तक इसका नंबर्स जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. इसका एक और फायदा आपको ये होता है कि आपके जो रिपीटेशंस और रिविजन्स हैं वो सब्जेक्ट के वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपका MBBS का जो पढ़ाई है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेसलेस है. जैसे इंडिया में कहा जाता है कि एक स्टूडेंट को एक हफ्ते में मिनिमम 18-20 आवर्स का पढ़ाई करना है, तो वही पढ़ाई आपको कंप्लीट कर सकते हैं रशिया में 4-6 आवर्स में भी, क्योंकि आपके कंटिन्यूस रिपीटेशंस हो रहे हैं, आपके टीचर्स आपसे वो करवा रहे हैं. सो जब फाइनल एग्जाम्स का टाइम आता है आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हो. अगेन जितने भी मेडिकल कॉलेजेस रशिया में हैं देज आर WHO रिकॉग्नाइज्ड. अगेन दे आर ऑल्सो MCI रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि अगर MCI का रिकॉग्निशन नहीं है तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो. सो यू हैव टू लुक आउट फॉर दैट कि MCI रिकॉग्नाइज्ड ही कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी है. इसके साथ साथ काफ़ी सारे यूरोपियन रिकॉग्निशंस भी इनके पास होते हैं. जैसा मैंने कहा कि इनका वर्ल्ड रैंकिंग आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं, वैसे ही इनके बाकी कौन से एक्रेडिटेशंस हैं वो भी आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. अगेन ये काफ़ी कम लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं और काफ़ी कम लोगों को ये पता भी है कि इंडियन स्टूडेंट्स रशियन स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, MBBS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. एडमिशन प्रोसीजर काफ़ी इजी होती है, काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग है, 1-1.5 महीना लग जाता है, बट स्टिल प्रोसीजर इज़ वेरी सिंपल. यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको एज एकोमोडेशन हॉस्टल्स जो अवेलेबल किए जाते हैं, दीज आर यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इन्हें डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है. इसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो भी उसी तरीके से आपको फैसिलिटेट की गई है. अगेन ऑल यूनिवर्सिटीज़ आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली वरी अबाउट देयर ऑथेंटिकेशन. एंड इफ यू आर अप्लाइंग एज अ स्टूडेंट, रशिया में स्टूडेंट वीज़ा 100% मिलने की गारंटी होती है. सो वॉट आर द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है जब आप रशिया के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपके हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने देखा 10th, 11th और 12th के मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए. नीट क्वालिफिकेशन का आपको जो सर्टिफिकेट आता है वो आपके पास रेडी होना चाहिए.
हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है पर दैट इज इन लेटर पार्ट ऑफ एडमिशन. वैक्सीनेशन कार्ड होता है जिसके बारे में हम बाद में गाइड करते हैं. बेसिकली दिस इज नॉट अ एडमिशन रिक्वायरमेंट. वैक्सीनेशन कार्ड ये एडमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है. बट इन जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, अगर कोई मेडिकल ऑफिशियल आपको पूछता है कि आपने कौन से वैक्सीन लिए हैं ये आप हमें प्रूफ कीजिए, तो ये अगर आपके पास नहीं है तो एडिशनल कोई चार्जेस आपको पे करने होते हैं. अगेन आपके वैक्सीनेशन का कार्ड बनाने में, उसको ट्रांसलेशन करवाने में वाई वेस्ट टाइम एंड मनी. तो इसलिए हम ये पहले ही प्रिपेयर रखते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए या तो कभी वो बीमार पड़ जाए तो उनके पास उनका वैक्सीनेशन कार्ड रेडी होता है. पासपोर्ट, ऑब्वियसली यू आर गोइंग अब्रॉड सो यू हैव टू हैव योर पासपोर्ट रेडी. 16 फोटोग्राफ्स, कलर साइज फोटोग्राफ्स होते हैं वो आपके पास होने चाहिए, एंड अ स्ट्रॉन्ग विल टू बिकम अ डॉक्टर. काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि रशिया में जाके बहुत ईजीली डॉक्टर बन सकते हैं. इट्स नॉट ईजी, इट्स लेस स्ट्रेसफुल. जैसे मैंने कहा, आपके काफ़ी रिपीटिशंस होते हैं, रिविजन्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स आपको बहुत ईजीली और बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं. सो इट मेक्स इट लेस स्ट्रेसफुल, बट इट्स नॉट ईजी. आपको प्रिपेयर्ड रहना है हर टाइम. जैसे इंट्रोडक्शन में भी तामंदर सर ने कहा है, इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू हैव टू बी ऑन योर टोस एवरी टाइम. तो आप स्टूडेंट हैं तभी भी आपको वही करना है. फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से लेके आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना है कि आपको हर चीज़ में अलर्ट रहना है और हर चीज़ के बारे में आपको पता करना है. सो बेसिकली इट इज़ नॉट दैट ईजी. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग विल्ड. यहाँ तीन मीडियम्स में आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं. फर्स्ट इज रशियन मीडियम जैसा मैंने कहा था, सेकंड इज इंग्लिश मीडियम. बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं पर सेमी इंग्लिश मीडियम भी आपको अवेलेबल है. इसमें पहले 2 या 3 साल आपको इंग्लिश मीडियम में टीचिंग अवेलेबल होता है और लास्ट के जो 2-3 साल बाकी बचते हैं वो आपको रशियन मीडियम में लेने होते हैं. अगेन इट्स स्टूडेंट्स चॉइस. आप आपके जो प्रायोरिटीज है उनको सामने रख के आपका जो मीडियम है वो चूज कर सकते हैं. रशिया का एकेडमिक ईयर कैसा होगा? सो बेसिकली एकदम सिंपल है. 2 सेमेस्टर में 1 साल होता है, तो 6 साल को 12 सेमेस्टर में डिवाइड किया जाता है इक्वली. एवरी ईयर 2 फाइनल एग्जाम्स होते हैं, मतलब दोनों सेमेस्टर में फाइनल एग्जाम्स होते हैं. पहला सेमेस्टर जनवरी में ख़त्म होता है और सेकेंड सेमेस्टर जून में ख़त्म होता है. सो दिसंबर जनवरी में पहला एग्ज़ाम आता है और जून एंड में सेकेंड एग्ज़ाम आता है. सो एक्चुअली यू कैन एन्जॉय 2 वेकेशंस, 1 इन न्यू ईयर और दूसरा जो होता है जुलाई और अगस्त में, समर वेकेशन जैसा होता है वो आप एन्जॉय कर सकते हैं. जब बात आती है कि आपको इतने दूर जाके रहना है तो उसकी फैसिलिटीज़ कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉर्मेट्रीज अवेलेबल होती है. अगेन ये सारी यूनिवर्सिटीज़ की डॉर्मेट्रीज हैं, सो गवर्नमेंट डॉर्मेट्रीज हैं. आपको सेपरेटली इसके लिए काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है. इसकी फीस भी सब्सिडाइज होती है. तो यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसा हमने पहले भी कहा था कि वो आपको अवेलेबल करके दिया जाता है. कोएड हॉस्टल्स होते हैं क्योंकि यूरोपियन सिस्टम वैसा ही होता है, पर जहाँ इंडियन स्टूडेंट्स ज़्यादा तौर से रहते हैं, ज़्यादा तादाद में रहते हैं, वहाँ वो लोग काफ़ी समय में 2 बिल्डिंग्स अवेलेबल करके देते हैं या तो अलग अलग फ्लोर्स आपको अवेलेबल करके देते हैं जहाँ लड़के और लड़कियाँ अलग अलग रह सकते हैं. सबको पता है कि रशिया ठंडा देश है, बट नॉट टू वरी, हर जगह पे आपको हीटर्स फिट किए होते हैं. सो इफ यू आर, वंस यू आर इन हॉस्टल, बस, ट्राम, यूनिवर्सिटी, आपको काफ़ी अच्छा रूम टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं. आपको ठंड का कोई प्रॉब्लम नहीं आता. इवन हॉस्टल में आपको जो बेडिंग्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं वो भी स्पेशली उसके लिए होते हैं कि आपको ठंडी का कोई साइड इफेक्ट ना हो. कॉमन किचन्स अवेलेबल किए जाते हैं जिसमें आप आपका खुद का खाना पकाने का काम कर सकते हैं. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आजकल मेस भी अवेलेबल करके देती हैं. जहां अवेलेबल नहीं है वहां आपके लिए किचन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. कई सारे हॉस्टल्स में खुद के कैफेटेरियाज होते हैं, बट ऑब्वियसली वहां हर समय इंडियन फूड अवेलेबल नहीं होता. काफ़ी रशियन फूड भी वहां अवेलेबल होता है.
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर यूनिवर्सिटी के हर हॉस्टल में, इवन यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग्स में भी 24 आवर्स सिक्योरिटी अवेलेबल होती है। एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ इज वेरी स्ट्रेसलेस, मतलब ज्यादा स्ट्रेस लेके आपको पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई तो आपको कंपल्सरी करनी है, कोई इजीली डॉक्टर नहीं बन सकता वहां जाने के बाद भी। बट स्टूडेंट लाइफ इज वेरी कलरफुल इन रशिया, दैट्स व्हाट आई कैन से ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो बेसिकली आपको मल्टीकल्चरल एक लाइफ एंजॉय करने को मिलती है, बट जैसा मैंने कहा था कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो उनको एक अलग से हॉस्टल भी दिया जा सकता है। बट स्टिल आपके यूनिवर्सिटी में काफी सारे कल्चर के, काफी सारे कंट्री के स्टूडेंट्स होते हैं, सो उनके अलग अलग कल्चरल इवेंट्स होते हैं, वो आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी काफी सारी होती हैं, जैसे साइंस क्लब होता है, डिबेट क्लब होता है, लाइब्रेरीज आपको अवेलेबल करके दी जाती है जिसके ऊपर आप अलग अलग मेडिकल बुक्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिटरेचर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जर्नल्स पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो स्टूडेंट कार्ड आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है उसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। सो यू कैन एक्चुअली ट्रेवल ऑन डिस्काउंट, ट्रेन्स बसेस हैं उसमें आप डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, आप कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको म्यूजियम्स और कॉन्सर्ट्स में काफी बार आपको फ्री टिकट्स नहीं मिलते हैं बट आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि रशिया में काफी ज्यादा तादाद में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स होते हैं मेडिकल रिलेटेड, सो यू कैन ऑलवेज अटेंड दैट बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटी कार्ड, और आप यूनिवर्सिटी से भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। यस, मिस्टर आनंद हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, आई थिंक आई विल आंसर दैट वंस वी आर फिनिश्ड विद आवर प्रेजेंटेशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और डाउट जो हमारे मन में आज की डेट में है, आप सबको पता ही है कि इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए यूनिवर्सिटीज हमें कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल करके देते हैं, उसका यहाँ पे एक छोटा सा हमने ब्यौरा किया हुआ है। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज शुड प्रोवाइड एंड दे आर नाउडेज प्रोवाइडिंग वेरी सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट। सो आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीजें जरूरी है, इवन खाना बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको चाहिए वो आपको इजीली अवेलेबल है, मेडिकल हेल्प अगर आपको कोई चाहिए तो वो हेल्प आपका इंश्योरेंस कवर कर रहा है, इसका आपके यूनिवर्सिटी ने देखभाल करनी जरूरी है। उसके बाद काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने लॉकडाउन से पहले ही ऑनलाइन ट्यूशन और एग्जाम्स चालू कर दिए थे, तो बेसिकली अभी जो एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर कंडक्टेड ऑनलाइन। काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने ये भी डिसाइड किया है कि नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर के काफी सारे लेक्चर्स हैं वो भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स के लिए सिर्फ आपको क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली हमने ये भी देखा है कि लॉकडाउन की वजह से हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स काफी लेट हो रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हैं, काफी सारे फॉरेन एग्जाम्स हैं जो सस्पेंड भी किए गए हैं, काफी बाद में लिए जाएंगे या तो फिर अभी तक उनके बारे में कोई डेट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। सो इस सिचुएशन में लेट एडमिशंस अवेलेबल करके देना भी यूनिवर्सिटी का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने उसके लिए इनिशिएटिव भी लिए हैं। उसके साथ साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने भी काफी सारे रूल्स जो है वो सस्पेंड कर दिए हैं या तो उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है, जिस वजह से आपको वीजा जो प्रोसेस है वो ज्यादा क्विकर हो जाती है, ज्यादा फास्टर प्रोसेस है उसकी, और एडमिशन प्रोसेस में भी काफी सारी चीजें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको कट डाउन किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेनली ये है कि कोविड के बाद आपकी फीस चेंज ना हो जाए। ऑब्वियसली काफी सारे कंट्रीज इकोनॉमिक टर्बुलेंस में जाने की संभावना है, बट हियर जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने फीस स्ट्रक्चर्स को वैसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑब्वियसली आजकल ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसीज हर
शहर में हर एरिया में आपको मिलती है. सो व्हाई शुड यू चूज आवर कंसल्टेंसी? सो दीज आर द रीजंस दैट वी हैव कम अप विद. दीज आर द फैसिलिटीज एंड सर्विसेज दैट वी प्राउडली प्रोवाइड. ऑल द सर्विसेज आर बेस्ड ऑन आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिनका आपके हमारे स्टूडेंट्स को और आपके बच्चे को फ्यूचर में जाके यूनिवर्सिटी में फायदा ही होगा, उसको नोटिस करते हुए हमने ये सारे सर्विसेज बनाए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का मिलके कंसल्टेशन लेते हैं, जिस वजह से हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल सकता है कि उनके इंटरेस्ट एरियाज क्या है. उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर जो है, वो सारी एडमिशन प्रोसीजर आपके बिहाफ में हम कंप्लीट करते हैं. दैट मीन्स अगर आप मुंबई से बिलोंग नहीं करते हैं, आप महाराष्ट्र में किसी और जगह पे रहते हो, आप मे बी आप किसी और स्टेट में रहते हो, इट डजंट मैटर, आपको हमारे ऑफिस में हर सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए आने की ज़रूरत नहीं होती है. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपके लिए क्लियर करके आपके घर पहुँचाने की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. स्टूडेंट्स को रशिया जाने से पहले एक हम पूरा प्रिपेयर करके भेजते हैं, जिस वजह से वहाँ जाने के बाद एक नए होने की जो एक फीलिंग होती है. आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप पूरा कंट्री चेंज कर रहे हैं. पर वहाँ जाने के लिए जो एक माइंड प्रिपरेशन करना पड़ता है, वो हम आपको 100% करके देते हैं. जिसके लिए हमने एक स्पेशल प्री डिपार्चर वर्कशॉप बनाया है. जो लोग वर्कशॉप अटेंड नहीं कर सकते, उनके लिए हमने काउंसलिंग सेशन भी सेट किया हुआ है. वर्कशॉप के बारे में अभी अगले स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा. एट द सेम टाइम अगर किसी को एडिशनल सर्विसेज के बारे में जानना है, जैसे किसी को टिकट्स, एयर टिकट्स लेने हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम काउंसलिंग और गाइडेंस करते हैं. एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एजुकेशन चालू होने के कुछ साल बाद, सेकेंड थर्ड ईयर में ऐसी फीलिंग आ सकती है कि उन वो करियर रशिया में भी कर सकते हैं, या तो उनको रशिया में रह के कुछ और अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है, तो उनके लिए जो PR के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसका हम उस टाइम पे उनको फ्री काउंसलिंग अवेलेबल करके देते हैं. नो एडिशनल चार्जेस अप्लाइड. हम अभी उसका काउंसलिंग क्यों नहीं करते हैं, उसका एक रीज़न ये है कि हम किसी भी स्टूडेंट को ये पिक्चर नहीं देना चाहते हैं कि आप वहाँ जाके सेटल हो जाइए, वहाँ जाके क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है. हम भी चाहते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर बने और इंडिया में आके प्रैक्टिस करें. बट इफ़ इन सम केसेस वो रशिया में रहना चाहते हैं या रशिया से आगे कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, उस टाइम पे जब उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इस मैटर को सोच लिया है, हम उनको काउंसलिंग और गाइडेंस देते हैं. इसके साथ साथ काफ़ी हद तक काफ़ी फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर आपके बच्चे को, फॉर एग्जांपल आपका बच्चा वहाँ जाके किसी रीज़न से बीमार पड़ा, फ्लू हो गया हो, सर्दी खांसी हो गई हो, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं. कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि आपको किसी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं. प्रीवियसली डेंटल वॉज नॉट इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस सर्विसेज, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो. सो इस टाइम पे पेरेंट्स थोड़े पैनिक हो जाते थे, पैनिक सिचुएशन में वो एक्स्ट्रा चार्जेस देने को रेडी हो जाते थे. बट समटाइम्स दीज आर नॉट रिक्वायर्ड. तो आपकी किसी भी हालत में कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं. इसके लिए स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और हमारे बीच में कंटिन्यूस डायलॉग हम मेंटेन रखते हैं. एट द सेम टाइम जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज एंड एजेंसीज, उनका एम होता है आपकी एडमिशन करना. एडमिशन के बाद उनका और आपका पर्सनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. बट इन दिस सिचुएशन हमारे स्टूडेंट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर तब तक है जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाती. उसके बीच में उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे हम अगर सिर्फ पर्टिकुलरली मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं और हमारे जो पार्टनर हैं, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली हम उनको पढ़ाई के प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करते हैं. एट द सेम टाइम दूसरे किसी प्रॉब्लम्स में अगर है, जैसे पासपोर्ट खो गया है, अगर कोई और लीगल डॉक्यूमेंट्स की उनको ज़रूरत है, एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, जैसे PR के टाइम पे काफ़ी सारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू.
कोर्स कंप्लीट करने के बाद जैसा मैंने कहा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या तो रशिया में रहने की इच्छा हो सकती है, यूरोप जाने की इच्छा हो सकती है। जिस किसी को भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है उनके लिए हम अलग से काउंसलिंग भी लेंगे और एट द सेम टाइम हम उनको गाइडेंस भी देंगे कि उनके लिए कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं इंडिया में आने से पहले भी है, या तो आप डायरेक्टली इंडिया आने के बाद भी कौन से और अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी इस वर्कशॉप के हाइलाइट्स के बदले मैं ऐसा कहूंगा कि इसकी जरूरत क्या है। आई एम रियली प्राउड टू सी दिस कि पूरे इंडिया में ऐसा वर्कशॉप लेने वाला हमारा इकलौता कंसल्टेंसी है। ये वर्कशॉप हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक ही रीजन से, क्योंकि वहां जाने के बाद आप इंडिया से जब रशिया पहुंचते हो सब नया होता है, काफी एक्साइटमेंट होती है, पर जब आप पहले दिन क्लासेस में पहुंचते हो आपके लिए सब कुछ नया होता है। सो बुक्स नए हैं, कोर्सेस नए हैं, बट एट द सेम टाइम एजुकेशन पैटर्न भी नया है। वो एजुकेशन पैटर्न समझते समझते आपका पहला सेमेस्टर निकल जाता है। व्हाई वेस्ट दिस टाइम? तो हम लोग आपके बच्चे को, हमारे स्टूडेंट्स को यहीं से प्रिपेयर करके भेजते हैं कि एजुकेशन पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। हर एग्जाम के लिए आपको वाइवास देने हैं, नो मैटर कौन सी एग्जाम है, वो इंटरमीडिएट एग्जाम है, माइक्रो टेस्ट है, इंटरमीडिएट टेस्ट है, या फाइनल एग्जाम है, आपको वाइवास देने ही देने हैं। ऐसे काफी सारे अलग अलग चीजें हैं जिनको हम इस वर्कशॉप में डिस्कस करते हैं। एट द सेम टाइम हम थोड़ा सा उनको रशियन लैंग्वेज का भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। एटलीस्ट उनको खुद का नाम ढंग से रशियन में लिखना लिखने को आना चाहिए, ये हमारा व्यू होता है उसके पीछे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मे बी पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत पड़ सकती है, या तो उनको लगता है कि वो नेसेसिटी है, तो उसके लिए भी हम उसके दौरान उनको गाइडेंस देते हैं। पर्सनल केयर कैसे ली जाए, हाइजीन कैसे मेंटेन किया जाए, खाने पीने के हैबिट्स कैसे मेंटेन करने हैं, कौन से मेडिसिन लेके जाने हैं, वहां जाने के बाद हेल्थ रिलेटेड कौन से इशू आते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपने मेडिसिन कैरी किए हैं तो आपको कोई हेल्थ इशू नहीं आएंगे। वहाँ का खाना अलग है, पानी अलग है, क्लाइमेट अलग है, उसके हिसाब से आपको आपके हेल्थ इश्यूज कौन से आ सकते हैं उसके बारे में भी हम इसमें गाइडेंस देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, आप कितना भी सपोर्ट दीजिए पर आप वहाँ फिजिकली उनके लिए प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली उनके लिए वहाँ सिर्फ इंडियन मिशंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे एम्बेसी है, काउंसुलेट है, या तो वहाँ के अपने इंडिया के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो इंडियन एम्बेसी या काउंसुलेट में रजिस्टर कैसे करना है इसका भी ट्रेनिंग उनको इसी वर्कशॉप में हम देते हैं। सो बेसिकली हमने इस वर्कशॉप को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वहाँ जाने के बाद आपको जो एक कल्चरल शॉक को महसूस करना पड़ता है, आपको हर नई चीज़ को फेस करना है। 100% तो नहीं, बट अप टू 70% हम उनको यहीं से प्रिपेयर करके भेज सकते हैं। जैसा मैंने कहा, काफी सारे मिसबिलीव्स हैं। आज भी पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रशियन सिलेबस इज नॉन कॉम्पेटिबल, सब्जेक्ट्स आर नॉट कवर्ड। एट द सेम टाइम काफी लोगों का ये भी मानना है कि रशियन डिग्री जो है वो रशिया के बिना कहीं नहीं चलती। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इफ द यूनिवर्सिटी इज WHO रिकॉग्नाइज्ड, द डिग्री इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। पर जैसे इंडिया के रूल्स हैं कि आपको बाहर की कंट्री से एग्जाम पास करके आने के बाद MCI की FMG जो एग्जाम है वो क्लियर करनी है, तो आपकी जो डिग्री है वो एक्सेप्टेड है, पर आपको वर्किंग लाइसेंस उसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली आप अगर US में जाते हो तो आपको USA में ही देने हैं, UK में जाते हो फ्लैग देनी है, कनाडा की खुद की टेस्ट है। सो ऐसे सारे टेस्ट देने के बाद डिग्री आपकी कहीं पे भी इनवैलिड नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए जो लाइसेंस और पेपर्स की जरूरत है वो आपको वो टेस्ट क्लियर करने के बाद मिल सकते हैं। इंडिया के नए रूल के हिसाब से जो स्टूडेंट्स इंडिया से डिग्री हासिल कर रहे हैं उनको भी सिमिलरली एक एग्जाम क्वालिफाई करनी है।
हमें FMGE की एग्जाम के बारे में सोचना है और उन्हें नेक्स्ट के एग्जाम के बारे में सोचना है, बट बोथ द पैटर्न्स आर सिमिलर। आई होप अभी तक मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं उनको डिस्कस किया हुआ है, हमारे सर्विसेज के बारे में भी काफ़ी कह दिया है। इसके आगे जाके स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है, स्पेसिफिकली किसी कोर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं या तो नीचे ये जो नंबर दिया हुआ है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भेज के उसके बारे में आपकी जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करना है तो नीचे हमारा ईमेल आईडी दिया गया है, उसके उस पर आप ये डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। पर्सनल काउंसलिंग के लिए भी आप इसी नंबर पे कॉल करके काउंसलिंग टाइम बुक कर सकते हैं। कोविड के टाइम पे हम पर्सनल काउंसलिंग नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप फ़ोन के ऊपर कॉल करके या तो टेलीफोनिक काउंसलिंग के लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो लोग मुंबई में रहते हुए भी काउंसलिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, हम उनको होम विजिट्स प्रोवाइड करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। ऑल दिस सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप आइडियल क्लासेस को भी अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो करियर गाइडेंस प्रोग्राम है उसके अंडर काउंसलिंग और सेमिनार्स का जो भी अरेंजमेंट होता है वो उसके अंदर हमारे सर्विसेज भी अवेलेबल हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक अगेन द आइडियल क्लासेस फॉर अरेंजिंग दिस ब्यूटीफुल वेबिनार फॉर एवरीबॉडी। और जिन लोगों ने ये सेमिनार अटेंड किया है उनके लिए भी मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। And those who are from Pune and Kolhapur, we always take personal counseling in those cities as well. Kolhapur, not in every month, but in every couple of months, we visit Kolhapur and Pune for only for personal counselings.